अरे राम 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 राम, कितनी जोर की बारिश हो रही है। 2 दिनों से यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे लगता है अब जल्दी ही मेरी छत से पानी टपकने लगेगा। तभी उधर से एक शेर बारिश से परेशान होकर छिपने की जगह ढूंढते ढूंढते उसी किसान की झोपड़ी के पीछे बने तबेले में घुस जाता है, जिस तबेले में उस किसान के कुछ गधे बंधे हुए थे। अंधेरा ज्यादा होने के कारण शेर गधों को देख नहीं पाता है और उन्हीं के बीच जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ से तो किसी मनुष्य की आवाज आ रही है। चलो चुपचाप बैठा रहता हूँ, जैसे ही यह आदमी मेरे करीब आएगा मैं इसे खा लूंगा। हाय हाय हाय, यह बारिश कब रुकेगी? ऊपर से यह टपका भी आ गया, अब मैं क्या करूँ? इस टपके से कैसे बचूँ? इतना तो डर मुझे शेर और बाघ से भी नहीं लगता है जितना डर मुझे इस टपके से लगता है। अरे यह टपका कौन है? मुझे लगता है यह टपका तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। अभी तो यह आदमी शेर और बाघ से ज्यादा इस टपके से डर रहा है। चलो जल्दी से मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, नहीं तो कहीं टपका ने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं। ओहो, अब मैं इस टपका से कैसे बचूं? चलो जल्दी से मैं अपनी मौसी के घर चला जाता हूँ। अरे चल चल, गधे की औलाद यहाँ पर छिपा हुआ बैठा है, अरे चल जल्दी। अरे ये क्या, जिसका डर था वही हुआ, यह टपका तो मुझ पर हावी हो गया। कैसे बचूं इस टपका से, मैं कैसे बचूं? हे भगवान, मेरी सहायता करो, मुझे इस टपका से बचाओ। मैं आज के बाद किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, मैं मांसाहार छोड़ के शाकाहारी बन जाऊंगा। भगवान मेरी रक्षा करो। शेर को दौड़ते दौड़ते रात से सुबह हो जाती है। अरे देखो देखो, यह तो शेर की सवारी कर रहा है। अरे हाँ, सच में ये तो शेर की सवारी कर रहा है, इसे तो डर भी नहीं लगता है। अरे उधर तो देखो जरा, यह आदमी कितना बहादुर है। यह आदमी तो शेर की सवारी कर रहा है। जिस शेर को देखकर हमारी धोती आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है, यह तो उसकी सवारी कर रहा है। ये गांव के लोग भी ना पागल हो गए हैं, जो इस गधे को शेर। अरे बाप रे, यह तो सच में एक शेर है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, शेर तो मुझे खा ही जाएगा। राम 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 राम, अब क्या होगा, इस शेर से कैसे बचूं? अरे यह तो एक बरगद का पेड़ है, यही अच्छा मौका है, जल्दी से इस बरगद की जड़ पकड़कर ऊपर चढ़ जाता हूँ। अरे शेर भैया, तुम इतनी जोर जोर से भागते हुए कहाँ जा रहे हो? आप तो बहुत डरे हुए लग रहे हो, आप तो जंगल के राजा हो, आपको किसका भय है? टपका, वो टपका मेरी जान के पीछे पड़ा है। अरे शेर भैया, जरा मुझे बताओ वो टपका है कहाँ? अरे भालू भैया, वो टपका मेरी पीठ से उतर कर उस बरगद के पेड़ पर चढ़ गया है। उसने मुझे रात भर खूब दौड़ाया है, वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं जिंदा बच गया। चलो शेर भैया, मुझे उस टपके के पास ले चलो, जरा मैं भी तो देखूं आखिर ये टपका है कौन।
अरे नहीं भालू भाई, बड़ी मुश्किल से तो मेरी जान बची है, मैं अपनी जान फिर जोखिम में नहीं डालूंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है शेर भाई, तुम यहीं रुको, मैं अभी बरगद के पेड़ पर देखकर आता हूँ, आखिर ये टपका है कौन। जाओ जाओ बच्चू, जब वो टपका तुम्हारे ऊपर हावी होगा तो पता चलेगा। अरे कहाँ है यह टपका जिसने राजा जी की हवा टाइट कर दी, चलो इस पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ। अरे बाप रे बाप, शेर क्या अकेला कम था, जय भालू भी आ गया, मुझे लगता है कि आज मेरी मौत निश्चित है। भालू पेड़ पर उल्टा होकर चढ़ने लगता है, तभी किसान और तेज से कांपने लगता है, कांपने की वजह से किसान के हाथ से छड़ी छूट जाती है और उल्टा होकर चढ़ रहे भालू के पिछवाड़े पर जा लगती है, भालू धड़ाम से जमीन पर गिरता है। मुझे लगता है अब शेर और भालू दोनों भाग गए हैं, चलो अब जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। सारे राज्य में यह बात फैल गई कि हरिया किसान बहुत ही बहादुर है और वह शेर की सवारी कर लेता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुँच गई। महाराज क्यों न हम पड़ोस के गांव से हरिया किसान को बुलवा लेते हैं, वह बहुत ही बहादुर है, उसके बहादुरी के चर्चे तो पूरे राज्य में हैं। मुझे पूरा विश्वास है वह इस काम को जरूर कर सकता है, वह इस दुष्ट शेर को जरूर पकड़ लेगा। सैनिकों, हरिया किसान को आदर पूर्वक हमारे दरबार में पेश किया जाए। महाराज आपने हमें याद किया, बताइए क्या बात है मालिक, हमसे कोई भूल हो गई क्या मालिक? नहीं नहीं हरिया, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, यह कुछ लोग पड़ोस के गांव से आए हैं, इनका कहना है कि इनके गांव में कोई दुष्ट शेर आ गया है जो इनके पशुओं को उठाकर ले जाता है और उन्हें मारकर खा जाता है। हमने तुम्हारी बहादुरी के बहुत सारे किस्से सुने हैं, तुम बहुत ही बहादुर हो, इसलिए मैं तुम्हें उस शेर को पकड़ने की ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ। अरे बाप रे बाप, उस बार तो मैं शेर के हाथों बच गया था, लेकिन इस बार मैं नहीं बचूंगा, अगर मैंने महाराज को सच सच बता दिया तो झूठ बोलने के जुर्म में मुझे फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अरे हरिया तुम मन ही मन क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं महाराज कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं शेर को कैसे पकड़ूं। ये लो हरिया कुछ स्वर्ण मुद्राएं रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। क्या करूं, कैसे पकड़ूं उस शेर को, ये महाराज ने भी मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है, क्या करूं क्या करूं। हाँ मिल गया। फिर हरिया बाजार से एक रस्सी और एक जाल तथा एक बकरी खरीद कर लाता है। चलो जल्दी से, मैं यहाँ पर एक गड्ढा खोद देता हूँ। गड्ढा तो खोद दिया, चलो अब जल्दी से इस बकरी को रस्सी से बांध देता हूँ। हरिया ने बकरी को रस्सी से बांधकर गड्ढे में खड़ा कर दिया और जाल को लेकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद जब बकरी को भूख लगती है तो वह चिल्लाने लगती है। अरे यह तो बकरी के चिल्लाने की आवाज है, लेकिन यह आवाज आ कहां से रही है, आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है यह आवाज उस पेड़ के पास से आ रही है, चलो चलकर देखता हूँ। अरे वाह,
आज तो शिकार मेरे पास खुद चलकर आ गया। शेर तुरंत ही बिना देर किए हुए गड्ढे में छलांग लगा देता है। तभी किसान तुरंत ही बकरी को ऊपर खींच लेता है और जाल को गड्ढे के ऊपर गिरा देता है। शेर गड्ढे में ही फंस जाता है। यह देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं।